हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी ढाबा में। हम पढ़ रहे हैं ई गवर्नेंस, जो आपका एमपीपीएससी प्री में सिलेबस में यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में है। उसी में से हमने एक टॉपिक उठाया है जिसको ई गवर्नेंस कहते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने ई गवर्नेंस के बारे में पूरा कंप्लीट, इसमें पॉइंट बाई पॉइंट हमने कंप्लीट कर ली हुई, जिसमें कि पहला पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड है, ऑब्जेक्टिव है, पिलर ऑफ ई गवर्नेंस जो कि आपके ई गवर्नेंस के स्तंभ हैं ये पढ़ लिए हैं, और हमने ई गवर्नेंस के चरण पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार, या आप कह सकते हैं ई गवर्नेंस के प्रकार। तो इसमें आप देख रहे हैं ई गवर्नेंस के प्रकार और ई गवर्नेंस के सहभागिता के प्रकार, इंग्लिश में बोलें तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंट्रैक्शन इन ई गवर्नेंस। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जिसमें हम ई गवर्नेंस के बारे में पूरी जानकारी आपको प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ई गवर्नेंस के प्रकार आपको याद रखना है। इससे पहले हम जो हमारा टॉपिक था वो ई कॉमर्स था, उसी तरह हमारे ई गवर्नेंस में भी कुछ प्रकार दिए गए हैं जो सेम हैं उसी की तरह। तो इसमें फर्स्ट जो आपका प्रकार रहेगा, इसमें आप फर्स्ट प्रकार पूरा देखेंगे, आप इसमें पूरा देखेंगे, मैंने पूरा लिख के रखा है। इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में अपना हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें रहेगा आपका G2G, जो क्या कहलाता है, सरकार से सरकार, इंग्लिश में बोले तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो G2G सरकार से सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट रहेगा हमारा G2C, सरकार से नागरिक, मीन्स गवर्नमेंट टू सिटीजन। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, सरकार से व्यवसाय, मीन्स G2B, सरकार से व्यवसाय, गवर्नमेंट टू बिजनेस। नेक्स्ट हमारा रहेगा G2E, सरकार से कर्मचारी, मीन्स गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। नेक्स्ट हमारा रहेगा C2C, नागरिक से नागरिक, सिटीजन टू सिटीजन। ये नंबर ऑफ 5 हमारे ई गवर्नेंस के प्रकार हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स हमारे नेक्स्ट वीडियो पर डालेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, और आपको यदि कोई प्रॉब्लम आ रही हो, इसमें कोई समझ में ना आ रही हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।